इंजन का फोन ओवर स्पीड में खींच के आ रहा था कल गए थे ना राइड पे ओवर स्पीड में खींच के आया वैसे आवाज आ रही है। अरे ये तो गलती आवाज आ रही है कोई में से आ रही है हैं खत्म है नहीं तो इंजन सीज हो जाएगा इसका। बड़ा ही फुद्दू बंदा है। मैंने इससे सिद्धू की वो डलवाई लगवाया था स्टिकर अगले दिन ही उतार दिया। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अभी थोड़ा मैं शास्त्री मार्केट चल रहे हैं जैसे कि मैंने बताया ही आपको। पता नहीं बताया नहीं बताया नहीं बताया तो बता देता हूँ। अपनी बाइक में इंजन ऑयल ख़त्म सा लग रहा है मेरे को क्योंकि पूरा काला हो गया है। तो अभी पैसे तो है नहीं कि नया सर्विस ही कराऊँगा पूरी मैं अकेला इंजन ऑयल क्या बदलवाऊँ। तो शास्त्री मार्केट चल रहे हैं उधर को मेरे को काम भी है चेक भी करवा लेंगे क्या दिक्कत आ रही है इसमें। आगे ला रहा होता है इसने सारी स्पीड खराब कर दे दी थी। ये धर्मशाला है श्री रामचरण और ये आ गई अपनी शास्त्री मार्केट। बस गली में घुस जाना है उसके बाद सारी मार्केट बाइकों की है। ये पर हम पे एक बंदा है जो कि मतलब पूरी मार्केट में सिर्फ दो ही दुकानें हैं जो सुपर बाइक और स्पोर्ट बाइक का काम बढ़िया करती है। तो हम तो अपने बंदे से ही कराते हैं और किसी का कोई रिस्क लेते नहीं है। तो कह भी नहीं सकते ये अपना सर है। ये जो बंदा गया ना अभी पॉज करके डालता हूँ। ये लाइब्रेरी के सर होते थे हमारे स्कूल में। अब तो पता नहीं पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते कह नहीं सकते। ये आ गया संदीप भाऊ। हाँ महाराज ये इसने ही बाइक खुलवा रखी है। और बाबा छुट्टी पे आज छुट्टी पे। ये देखो R15 भाई को जानते ही होंगे आप राइड पे जाता रहा हमारे साथ। R15 खुलवा दिए भाई ने।
इसमें क्या हो गया? इंजन का फॉल्ट हो गया। इंजन का फॉल्ट? ओवर स्पीड में खींच के आ रहा था कल गए थे ना राइड पे, ओवर स्पीड में खींच के आया वैसे आ गया। आवाज आ रही है यार, ये तो गलती आवाज आ रही है कोई। हेड में से आ रही है। किसमें से? हेड में, इंजन का हेड। उसमें से आ रही है? ये पता नहीं क्या है, इन्होंने तो मेरे से ज़्यादा ही बुरा हाल कर रखा है। बाकी बाइक की, बाइक भी बढ़िया है। मैं तो यार इंजन ऑयल देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा ख़त्म हो गया मेरा। मैं क्या चलाऊँ ना चलाऊँ ज़्यादा इसको। एक वो खड़ी है R15 यार, बड़ा खर्चा है बाइकों पे। भैया मैं कह रहा था ना, एक तो ये वाली दुकान है JS ऑटो आना है तो, और एक आगे वो है राम श्याम ऑटो वर्क्स, पता नहीं दिख रहा है नहीं। एक तो कोई फ्री भी नहीं रहता ना यहाँ, सारे काम पे ही काम पे बिजी बिजी। गंजे गाइस, काम कराई लूँ फिर मिलता हूँ। सन्नी तो बहुत बिजी है येरा, मैं गंजे से करा लेते। गंजा भाई काम फटाफट करता है अपना छोटा मोटा ना। ये देखियो अभी चल जाएगा कुछ टाइम और या नहीं चलेगा, जब मैं कट्ठी सर्विस करा लूंगा ना। इधर बताया है अभी हम गिरेगी थोड़ी, मैंने पकड़ रखी है, डर क्यों रहा है? ये तेल है खत्म है, कितने का है इसका तेल? यार बाबा तुम तो यार खर्चा करवाओगे पैसा ही नहीं तेल इसमें है ही नहीं ना। यार बहन चोद तेल सील हो जाएगी, सील हो जाएगी। अभी चला लूँ इसको, एक दो दिन ना चलाऊँ तेल, मतलब इसमें थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल तेल है इसमें ना के बराबर है। सन्नी बाबू तो मैं पूछ लेता हूँ क्या सेवा है इसकी तेल की, फिर बताता हूँ। यार ये तो खर्चा हो गया, करना ही पड़ेगा लग रहा है। गाइस पूछ लिया मैंने, सिंपल है 350 का, और जो बढ़िया वाला है वो है 650 का। 350 सर्विस के लगेंगे, 100-150 का फिल्टर आएगा इसका, तो टोटल भाई राजा में हो जाएगा 1000-1200 का खर्चा। तो अब देखते हैं, माता से मांगता हूँ पैसे दे दे, अगर ज़्यादा नहीं दिए तो भाई 350-400 का तेल तो डलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो इंजन सीज हो जाएगा इसका। चलो गाइस चलते हैं फिर, और क्या कल आएंगे यहाँ पर काम कराने, तब देखेंगे अगर पैसे मिल गए तो, क्योंकि कराना तो पड़ेगा ही, इंजन सीज थोड़ी करवाना है। ये देखो ये तेल की आवाज़ आ रही है ना जो इसमें, ये बड़ा दुखी करेंगे। वाला है ना एक तो बहुत पैसे लेता, टाइम इतना लगा देगा, ये जा रहा बंदा, ये जो अभी गया ना पिंक टी शर्ट में यही है साला, टाइम इतना लगा देगा और काम है ना तो धेले का काम नहीं करके देगा, दो दे देगा। बड़ा ही फुद्दू बंदा है, मैंने इससे सिद्धू की वो डलवाई लगवाया था स्टिकर, अगले दिन ही उतार दिया, 300 का लगाया और जो चीज़ मैं चाह रहा था वो भी नहीं करके दी, क्या फ़ायदा ऐसे काम का। एक मनी आर्ट्स है वही है यार, अभी ना पैसे की काम तो 100 करा लूँ मैं इसमें, पर वही है ना जेब भी तो बोलनी चाहिए काम कराने के लिए। ये देखो ये सर यहाँ आगे घूम कर, वही बात है और तो कोई बात नहीं, जेब नहीं ना बोलती हमारी। पर जब भी अपना राजा तो बहुत ठीक है, इन्होंने अभी देखो दोष वो जोश मिला था उसकी भाई का, आवाज़ कर दी है कह रहा कल ज़्यादा खींच दी, अब मैं तो भाई बहुत खींचता हूँ इसको, अब देखो तेल नहीं है बिल्कुल इसमें, तब भी खूब चलाता हूँ, तब भी ऐसा कोई खास वो नहीं पैसा लगवाया मेरा इसने अभी तक जब से मैंने लिया है, बस टायर का और जो मेन है वही खर्चा कराती है। तो अपने तो भाई बहुत लक्की मानता हूँ मैं राजा को, एक इसका
इसका मीटर भी नहीं चल रहा, ये इसमें ना कोई पानी वानी चल गया बारिश के मौसम में, इसी कल ही अगर सर्विस कराई तो इसको भी सही करा देंगे। आप लोगों को स्पीड नहीं ना दिखती होगी मेरी कितनी स्पीड पे हूँ मैं, तो ये भी कल ही सही करा देंगे। बाकी ये आ गया MBD मॉल, बनाते हैं नहीं तोड़ ज़्यादा देते हैं। ये तो चलो जब भी ये दिख रही है ना ख़राब रोड, ये अब बना दिया है इन्होंने आधी सी तो, पर जब भी बहुत ख़राब है। ये पूरी रोड ख़राब है ये देखो, बल्कि ये पॉश एरिया है, मॉडल डाउन जाता है रास्ता उसका भी याद कर सकते हैं। बैठे बैठे अपनी बाइक निकाल सकते हो, गाड़ी नहीं निकलेगी नहीं तो बाइक तो बैठे बैठे निकल जाती है, इतना ऊंचा है। और ये आ गया जलंधर का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल कैम्ब्रिज, नाम से ही पता लग रहा है कि महंगा स्कूल है। भाई गाइस अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। खत्म।